उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार की आबकारी नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की नीति से पूरे उत्तराखंड को शराब में डूबने का काम किया जा रहा है। करण महरा ने यह भी सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक की रोकथाम की अपील पर भी सरकार अमल नहीं कर रही है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि 36 माइक्रोन पॉलीथीन के इस्तेमाल को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि उत्तराखंड में आबकारी विभाग 36 माइक्रो पॉलीथीन का इस्तेमाल होलोग्राम के लिए कर रहा है, जबकि पर्यावरण मंत्रालय इस पर रोक लगा चुका है। ऐसे में उत्तराखंड आबकारी विभाग इसकी शह पर 36 माइक्रोन पॉलीथीन का इस्तेमाल होलोग्राम के तौर पर कर रहा है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आज हमने आबकारी नीति पर FL2 को जो सरकार ने प्राइवेट हाथों में देने का निर्णय किया है और पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर पूरे प्रदेश में जिस तरीके की शराब के मॉल्स खोलने की बात कही है और लाइसेंस की जो नीति तय की है, निश्चित ही हम उसका विरोध करते हैं और ये भी कहते हैं कि देवभूमि को आप शराब में डुबाने की कोशिश कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। एक तरफ आप डेनिस का विरोध करते थे, दूसरी तरफ आपकी नीतियां ये बताती हैं कि आपने सारा कारोबारियों के आगे घुटने टेक दिए। दूसरा, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रधानमंत्री ने जो निर्देश दिए थे लाल किला की प्राचीर से, उसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। आपने एक टेंडर किया है जिसमें 150 करोड़ प्लास्टिक होलोग्राम्स अब दारू की बोतलों में लगाए जाएंगे जो हमारे पर्यावरण का नुकसान करेंगे, और PMO के कहने के बावजूद भी आप उसका उत्तर सही से नहीं दे रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं बड़ी साजिश की बू आती है। उसके विषय में हम लोगों ने बात की है, 36 माइक्रोन के होलोग्राम सिंगल यूज प्लास्टिक के लगने वाले हैं जो निश्चित ही निंदनीय है और उत्तराखंड के पर्यावरण को खराब करने वाला है। गैरसैंण को लेकर हम लोगों ने कहा है कि गैरसैंण में सत्र होना चाहिए, जिसका विरोध करने वाले लोगों की मैं निंदा करता हूँ, क्योंकि ये आंदोलन करने वाले लोग और जो शहीद हैं उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है और निश्चित ही गैरसैंण में सत्र बुलाया जाना चाहिए।